करूंगा कल। विश्वनाथ पक्का तुम लोगों को चोट तो नहीं आई ना? नहीं। शुक्र है वाहे गुरुदा। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हुकुम ने मेरे को सारा मामला संभालने को कहा है और किसी को ये पता नहीं है कि गाड़ी तुम लोगों को कल लेने आई थी और अपने परिवार को कोई खतरा नहीं है। हम कल पर देवरा सर है का? हम लोग हुकुम को इस मामले में नहीं डाल सकते, तुमको तो पता नहीं यशु कितने बड़े लोग हैं लोग, और अगर मीडिया को पता चला ना तो उनके नाम की धज्जियां उड़ा देंगे। पता नहीं कौन उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। सिंह अंकल आपको और हमें तो पता है ना ये सबके पीछे वो लड़की है, तो हम पुलिस को बता क्यों नहीं देते? हुकुम ने पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया है, हुकुम ये मामला खुद संभालेंगे। पर वो है कहाँ? बोलिए सिंह अंकल कहाँ है देवराज सर? मामला संभालने का तरीका और हमारे प्लान का क्या हुआ? हम अंबिकापुर जाने वाले थे, हमारी शादी होने वाली थी ना वहाँ, हम आपके लिए बहुत मायने रखते ये कहा था ना आपने, आप एक पल में छोड़कर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं गलत था, बिल्कुल गलत था। लगा था मैं इस मामले को संभाल लूंगा, जिसे हैंडल करके मैं आपसे शादी करने ही वाला था कि क्या मतलब? हम बड़े लोगों को क्या लगता है कि हम छोटे लोगों की कोई भावना ही नहीं होती है? हम लोगों के सपने नहीं होते, हम लोगों का दिल ही नहीं होता है? ये बढ़िया है, अगर खुद को कुछ पसंद आ गया तो वो आपका। और मैं तो नहीं लगता था कि देवराज सर आप ऐसे, प्लीज कह दीजिए कि हमारी अभी भी शादी होगी, हम अभी भी शादी करेंगे। नहीं कृष्ण, अब हमारी शादी नहीं होगी। कल आपने कहा था कि दिल से लिए हुए फैसले बदले नहीं जाते, फैसला छोड़िए आज तो आप खुद ही बदल गए। ऐसा नहीं है कृष्ण, अब आज भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी हो जितनी कल थी। तो फिर क्या समस्या है? समस्या आपकी आंखों के सामने है कृष्णा, कल अगर एक सेकंड का भी हेर फेर होता तो आपकी आपके पूरे परिवार की जान जा सकती थी, और उनकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मैं होता। पर ऐसा नहीं हुआ आपकी वजह से कृष्णा, अगर अनजाने में आपसे देर नहीं हुई होती और मैं आपकी हेल्प करने के लिए गाड़ी से बाहर नहीं निकला होता तो उस गाड़ी के साथ साथ हम सबके भी जीते उड़ गए होते। मुझे आपसे अलग होने की तकलीफ के साथ जीना मंजूर है कृष्णा, लेकिन आपकी जान खतरे में डालना बिल्कुल भी नहीं। सॉरी कृष्णा, खो गए हम कहीं, खो गए तुम कहीं। देवराज सर,
देवरा साहब समझ क्यों नहीं रहे कि पंडित जी ने कहा है आपके ऊपर जो खतरा है वो खतरा मुझ पर है, मुझ पर ही रहने दो, आप सब भूल जाओ। देवराज साहब, देवराज साहब, देवराज साहब, कहती थी ना भगवान जी पता नहीं कब ये लड़की की शादी होगी और कब इससे पीछा छूटेगा, देखा छूट रहा है पीछा। हमारी याद में अपनी दवाइयां खाना मत भूल जाना। नहीं भूलेंगे गुड़िया, अच्छे से रहना। पढ़ाई पे ध्यान देना, मम्मी पापा का ध्यान भी तुम्हें ही रखना है, वरना सबको चिल्ला चिल्ला के बता देंगे कि तुम्हारा नाम पिंकी है। आप लोग कृष्णा की चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा इनका। जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हैं हम? कृष्णा, आपने अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर जो हसीन ख्वाब देखे हैं वो कहीं टूट ना जाए। कुछ बातें हैं जो काश मैं आपको बता पाता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। पहली बार ससुराल में प्रवेश करोगी ना तो पल्लू करना मत भूलना।
प्रति, हमने आपसे कहा था कि वो मेहंदी वालियों को आप बुलवा दीजिए। तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई एम श्योर आपको हमसे बहुत सी बातें करनी है। बातें तो हमें भी आपसे बहुत सी करनी है देवराज, लेकिन इस वक्त नहीं। प्रति, मेहंदी वालियां कितनी बुलाई आपने? लेकिन जयामा, मुझे कृष्णा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बातों से तो बड़ी प्यारी लगती है आपकी कृष्णा। शक्ल हमने देखी नहीं, लेकिन महसूस किया है कि अगर आपने उन्हें चुना है तो किसी वजह से ही चुना होगा। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जयामा, कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको सब कुछ समझा सकूं। अगर आप थोड़ी देर मेरे साथ। इस वक्त नहीं देवराज, हम फिर कभी ये बातें करेंगे। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म के बारे में सोच रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मुहूर्त निकल जाए। लेकिन जयामा, देखिए देवराज, हम आपसे कई बार कह चुके हैं, हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं। आपने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। इतनी जल्द अगर आपने कृष्णा से शादी कर ली है तो कुछ बहुत ही खास देखा होगा आपने उसमें। ये बातें बाद में भी हो सकती है। रति, एक काम कीजिए, आप जाके रसोई में देखिए, महाराज जी ने सारी मिठाइयां बनवाई है, हम बाकी की तैयारियां देख के आते हैं। जी जयामा। मुझे मेरी आजादी बहुत ज्यादा पसंद है और बंदिश में मैं रह नहीं सकता। तो क्या पूरी लाइफ अकेला बिताएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को ठीक करते हुए? देखो भैया, बात ऐसी है कि मुझे ना मोहब्बत है इनसे और मुझे शौक है ये करने का। Cool, but be careful. I mean, ये शौक के चक्कर में ना कहीं इलेक्ट्रिक शॉक मत लगवा लेना। क्रेजी गाय। देवराज की पसंद की सारी चीजें हमने लिखवा दी हैं। आप याद रखें कि हर चीज वहाँ पर। ऊपर से सोशल मीडिया में डालने की क्या जरूरत थी बताइए? प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज होती है उगरा दी। अब देखिए किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, एक तो ना बड़ा रॉयल खानदान। जब जबान बंद हो जाती है तो चेहरे बात करने लगते हैं, और आप दोनों के चेहरे हमें ये बता रहे हैं कि आप हमसे कुछ पूछना चाहती हैं। पूछिए। परफेक्ट, आप ना कमाल है जया दी। हम ना कहते थे कि इस घर में अगर किसी का दिमाग चलता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका, बाकी सबकी ना सिर्फ जुबान चलती। वैसे आपको कैसे पता? मुझे पता था मीनाक्षी भाभी, आप पीछे से तो शेर हैं, लेकिन इनके सामने आपकी जुबान बंद हो जाती है। लेकिन उग्रा किसी से नहीं डरती, मेरे जो मन में होता है वही जुबान पर। तब आप ही कह दीजिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप सारे फंक्शन की तैयारी इस तरह करवा रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये देवराज है। आपको कुछ गलत ही नहीं लग रहा है? वो बिना बताए जिससे मर्जी शादी कर ले, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही हरकत अगर किसी और ने की होती तो उसके साथ नरमी बरतना तो दूर, उल्टा उसे सजा दी जाती। हम अच्छी तरह समझ रहे हैं आपका इशारा किसकी तरफ है। क्या आप ये बता सकती है उग्रा कि आपको कैसी सजा दी गई थी? कभी कभी सजा कुछ देकर नहीं बल्कि कुछ ना देकर भी दी जाती है। और वो क्या है जो आपको नहीं दिया गया? लिस्ट बहुत लंबी है। फिलहाल शुरुआत रिस्पेक्ट से की जा सकती है, नीचा ना दिखा के शुरू की जा सकती है। आप ये कह रही हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, नीचा दिखाते हैं आपको? ऐसा हमने कब किया उग्रा? वाह, ये सवाल पूछा है आपने जयादी, एकदम परफेक्ट। हम भी यही सवाल पूछने जा रहे थे इनसे। अब बोलिए। लगता है आपके भैया हमें आवाज दे रहे, हम बस आए और गए। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गजवर्धन इस तरफ से आ रहे हैं।
हमारे कान एकदम परफेक्ट है, पता नहीं अचानक से हमारे कानों को क्या क्या बात है। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आप तीनों की तिकड़ी एक साथ, नई बहू के स्वागत की तैयारी हो रही है या किसी की शामत आने वाली है? Anyway, how am I looking today? मैं कैसा लग रहा हूँ? Perfect. अब तो हमेशा ही perfect लगते हैं. Of course. और आज तो हमारी twinning भी होने वाली है. क्या? Twinning? Twinning. हाँ, आज के लिए मैंने आपकी सूट से बिल्कुल matching सारे select की है. इस सूट से? फिर तो मैंने आपसे पहले ये कपड़े पहनकर गलती कर दी है। क्यों? नहीं पहनता ना। राघव, I'll be right with you। यार मैं तुमसे ये बात। हम ना कहते थे, बहुत मजाक करते रहते हैं। ये मेरी लक्ष्मण रेखा, इसके आगे नहीं जा सकता मैं। वो उग्रा बुआ ने ऐसे अचानक हर परिवार में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और फिर हमारी शादी यूं अचानक हो गई। इसलिए देखिए कृष्णा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। और याद है ना आपने क्या कहा था कि हम दोनों एक दूसरे की ढाल हैं। जब तक आप हमारी और हम आपकी ढाल बनकर रहेंगे, हमें कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कृष्णा यहाँ पर कुछ बातें आपको अजीब सी लगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आप मेरी जिम्मेदारी हैं, ये बात आप जानती हैं ना? मेरी तरफ देखिए कृष्णा,
मैंने जो कहा दिल से कहा है। आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। एनीवेज आई एम रियली सॉरी कि मुझे आपको यहां की हर बात समझाने का मौका नहीं मिला और रीति रिवाजों को भी बताने का मौका नहीं मिला। वो रोमा, इस घर को, हमारा मतलब इस महल को राज महल क्यों बोल रही थी? मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। या हो सकता है आपने कुछ गलत सुन लिया। एनीवेज आप चेंज कर लीजिए, मैं आपका डिनर यहीं भिजवा दूंगा। थोड़ा आराम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। गुड नाइट। वो कमरा इतना बड़ा है, हम अकेले, हमें डर लगेगा। डरने वालों में से तो नहीं हैं और आप तो जानती हैं कि हम जाकर भी यहां नहीं रह सकते। बस थोड़े दिनों की बात और है, और वैसे भी हम ज्यादा दूर नहीं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉर्निंग। ऋषा जी, ये क्या पहना है आपने? इसका डिजाइनर कौन है भाई? आपको हमारी साड़ी अच्छी लगी? ये तो हमने रामपाल की दुकान से खरीदी है। घनश्याम गली में ना बहुत नाम है उनका, मतलब उनकी दुकान में हर लेटेस्ट डिजाइन मिलता है। और सिर्फ साड़ी नहीं, कैसा ब्लाउज होना चाहिए, कैसा हार होना चाहिए, वो सब डिसाइड करके बताते। मतलब दुकानदार कम डिजाइनर ज्यादा है वो। अरे वो जेंट्स के कपड़े भी सिलते हैं। एक काम कीजिए, आप भी हमारे साथ चलिए, हम ना आपके लिए भी डिजाइनर सूट सिलवा देंगे। ऑफ कोर्स। हम तो उनको हमेशा बोलते हैं कि एक दिन ना वो बहुत बड़े डिजाइनर बनेंगे। आई एम श्योर वो बहुत बड़े डिजाइनर बनेंगे भाई। और नाम भी तो देखो, सत्यपाल, रोहित पाल, रामपाल। नाम भी एकदम। हम ना कहते थे बहुत मजाक करते रहते। इस घर में तो किसी को सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। अच्छी लग रही है आप। आप कुछ भी कहो देवराज सर, हमें पता है सब हम पर हंस रहे थे। ये रोमा जी का कुछ समझ नहीं आता, हमेशा सबसे अलग थलग लगती है और हमें भी ऐसे ही महसूस कराती है। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए एक ब्रांड न्यू वार्डरोब बनवा देते हैं। फिर ऐसा कोई डिजाइनर नहीं होगा जो आपके वार्डरोब में नहीं होगा। नहीं जया मां, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम ना ऐसी बहुत सारी और साड़ियां लेके आए हैं। लेकिन हमें जरूरत है, वरना रोज रोज हम सबको आपके अजीब कपड़े देखने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाभी कुछ भी पहने ना अच्छी लगेंगी। गायत्री, राजकुमारी कृष्णा आ गई है, इनका ब्रेकफास्ट रेडी कीजिए। जी। नैना दी और उग्र बुआ नजर नहीं आ रहे, वो हमारे साथ बैठ के नाश्ता नहीं करेंगे? मॉम सबके साथ नाश्ता नहीं करती, रॉयल फैमिलीज में नॉर्मल है। बरसों से हमारी घर की औरतें अपने अपने कमरे में खाना खाना पसंद करती है। ऐसे सबके साथ नाश्ता करना, ये सब मिडिल क्लास हैबिट्स है जो आज मजबूरन हमें भी फॉलो करनी पड़ रही है।
और नैना दीदी 12 बजे से पहले तो उठती नहीं है। ये भी कोई रॉयल हैबिट होगी जिसके बारे में पता नहीं होगा। कैसे उठेगी, रात भर तो पार्टीज करती रहती है। पार्टी नहीं, काम। नैना हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी संभाल रही है और वहां का वर्क कल्चर ये है मामी। परफेक्ट। ये आजकल की जनरेशन भी ना, हमारे जमाने में जो हम अनकल्चर समझते थे आज की जनरेशन उसे वर्क कल्चर समझती है। परफेक्ट। ध्यानचंद। जी जयमा। आप ट्रॉली लेके वहाँ क्यों खड़े? जयमा हम ये सोच रहे थे कि हम ट्रॉली लेके आ रहे थे या जा रहे थे। ट्रॉली पे क्या है, सूप ना? जी जयमा। तो वो कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए जयमा? यहाँ टेबल पर, क्योंकि सवेरे हम सूप ही लेते हैं। याद है जयमा, अभी लाते हैं। हम मत कर देते। ऋषभ प्लीज। आप मत कर। ध्यानचंद कहाँ है मेरा नाश्ता? आपके ऊपर। सॉरी, हम साफ करते हैं। अब ये भी मेरे नजरिए की ही गलती होगी, है ना जया जी? हुआ। की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, प्लीज आप इनके लिए या फिर यहां पर किसी के लिए भी अपने दिल में कुछ मत रखिएगा। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, प्लीज सॉरी।